हेलो एंड गुड मॉर्निंग वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए लॉर्ड्स ऑफ करेंट अफेयर्स राइट और मूव uh, करूँ अपने स्टूडेंट की तरफ उससे पहले मैं देख लेती हूँ हमारी अपकमिंग बैचेस कौन सी हैं तो हम देख लेते हैं हमारी अपकमिंग बैचेस जो कि जुलाई महीने की हैं सेवन टू ट्वेंटी एट जुलाई ये बैचेस हैं हर वीक है बाइलैंगल है आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो राइट चलिए अब मैं मूव करती हूँ अपने स्टूडेंट की तरफ जो चैट बॉक्स में एक्टिव है तो देख लेती हूँ सबसे पहले मॉर्निंग में जो है मोना मोना ओके तो ये बता रही है वेदर एंड <laughs> उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है बिंदु यादव एंड उसके बाद शरिता रावत ओके सेम टू यू मैम सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा एंड उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट संत गौतम मोहित शर्मा उसके बाद नैनीत राहुल सत श्री अकाल जी एंड उसके बाद कृति शर्मा गंगा सॉरी गगन शर्मा उसके बाद सुनीता गौतम विकल्प सिंह अमित शर्मा और बहुत सारे स्टूडेंट तो अब क्या है ना जल्दी से क्लास के लिंक शेयर कीजिए एंड सभी को गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल बात करें आज के डेट की थॉट्स की तो द डे अगर हम देखें तो क्या है देर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस यू हैव टू टेक दिस दिसर्स बहुत बड़ी बात है ओके तो यहाँ पे बारिश हो रही है अकबर अंसारी जी ओके ठीक है गुड मॉर्निंग जी अर्चना पॉल एंड आर डी डेविस्टन सभी को गुड मॉर्निंग तो ये वाली बात है या कोई एलिवेटर नहीं है सक्सेस का कि आपको लिफ्ट मिल जाए उड़ा के एक ही बार ज़मीन से बोलते हैं ना अर्थ से फर्श पे पहुंचा देना फर्श से अर्श पहुंचा देना ऐसा टाइप का को कोई लिफ्ट नहीं है कि आपको ज़मीन से एकदम आसमान पे पहुंचा दिया जाए एक एक कदम बढ़ाना होगा और एज ए स्टूडेंट्स हमें एक एक स्टेप दिख रहा है बुक से यहाँ पे <laughs> तो एक, एक स्टेप धीरे धीरे सारे स्टेप्स लेने होंगे हर स्टेप्स का अपना एक वैल्यू है और सारे स्टेप का सम ही एक सक्सेस मिलेगा आपको ठीक है तो ये हम सभी के लिए है और कहा जाता है ऐसा कि जो दिन की शुरुआत होती है वो एक अच्छे विचार के साथ हो पॉजिटिव विचार के साथ हो तो दिन पूरा अच्छा होता है हमारी कोशिश भी बिल्कुल यही होती है चलिए बात करते कल के क्वेश्चन की तो कल के क्वेश्चन का आंसर है केवल वन केवल और केवल वन यानी ओनली वन और ये आंसर सिर्फ हमारे चार विद्यार्थी ने किया सुब्रजीत पटनायक दूसरा अगर हम बात करें तो अभिनव कुमार फिर उसके बाद बीना एंड आर लिखा हुआ है तो इन्होंने किया था सही आंसर उसके बाद हम देखेंगे सरजीत घोष ने किया ओनली वन ओनली जो है ये फोर स्टूडेंट्स आर देयर जिनका सही आंसर था बार बार के आंसर्स मिले थे लेकिन सही नहीं थे चलो अच्छा हुआ कल तो हम लोग को कोई भी विनर नहीं मिला था आज एटलीस्ट चार तो है इससे ये मालूम चल रहा है कि क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जा रहे हैं ठीक है होमवर्क वाले तो कोशिश होगी कि अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया जाए चलिए बात कर लेते हैं की तो क्या है देखिए ट्वेंटी आप देख रहे G20. हो जी ट्वेंटी याद होगा जी ट्वेंटी जी सेवन कितना कुछ हमने डिस्कस किया है ना अब जल्दी से मुझे बता दीजिए जी ट्वेंटी कब फॉर्मेशन हुआ है जी ट्वेंटी का और कहाँ है हेड क्वार्टर जी ट्वेंटी का राइट जल्दी जल्दी चैट में आप लोग लिखना शुरू कीजिए और हम ये देखते हैं जी ट्वेंटी की जो है इन्वामेंट एंड एनर्जी मिनिस्ट्रीज की जो है मीटिंग हो जो है होने वाली है कहाँ पर होने वाली है ये मीटिंग होने वाली है इटली में राइट इटली में ये मीटिंग होने वाली इटली के नेपल्स में ये मीटिंग होगी और जो अभी सिचुएशन बना हुआ है जी ट्वेंटी की जो मेजर्स कंट्री है राइट जी ट्वेंटी की जो मेजर्स कंट्री हैं जो वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो प्रॉब्लम क्या है इन्वायरमेंट रिलेटेड लाइक अभी अगर हम देखें तो रसिया यूएसए एस यहाँ क्या है जंगलों में बहुत सारे इनके जो स्टेट्स हैं उनके जंगलों में आग लगी हुई है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फ्लड आया हुआ है मतलब ओके okay, आ गया यहाँ पे ट्रिपल नाइन आ गया ठीक है चलिए यहाँ पे अमित शर्मा और गगन शर्मा जी का आंसर पहले आ चुका है सही है जी ट्वेंटी के बारे में तो यहाँ पे अभी क्या है कि आधा यूरोपियन जो नेशन है वो आगे के चपेट में है और दूसरा क्या है जो बचे खुचे हैं वो क्या झेल रहे हैं वो फ्लड को झेल रहे हैं ठीक तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है इस सिचुएशन में ये मीटिंग होगी तो ऑबवियस सी बात है वैसे तो मीटिंग का पूरा कोर थीम क्या है एनवायरनमेंट है लेकिन जो मेन थीम्स निकल के आए हैं वो तीन हैं पहला क्या बताया गया है इनके द्वारा जो थीम इन्होंने इन पे डिजिस्म में इनको डिस्कशन करना है वो क्या है आप देख सकते हो दे आर प्रमोटिंग सर्कुलर इकॉनमी तो पहला चीज सर्कुलर इकॉनमी और बेसिकली जो इनको ध्यान देना है वो है टेक्सटाइल एंड फैशन सेक्टर पे ठीक है तो जो है टेक्सटाइल एंड फैशन सेक्टर प्रमोटिंग करना इकोनॉमी में तो टेक्सटाइल एंड आपका फैशन सेक्टर जो हो गया सेकेंडली बोला जा रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओशियन तो जो जैव विविधता है और जो ओशियन है हमारा समुद्र है इसके बचाव के लिए एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जो सतत विकास की बात हम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय रीलिंग द फाइनेंशियल सिस्टम तो फाइनेंशियल सिस्टम को रील करके सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो बूस्ट करना है यही मेन तीन एजेंडा है बात करें तो पूरी की पूरी जो मीटिंग है जो बिल्कुल जो पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं तो पॉलिटिकल एजेंडा में जो मेन अहम रोल प्ले करने का जो पॉइंट बन चुका है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में जो ट्रांज जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रहे हैं अभी कोविड के टाइम पीरियड में यही है ही और कुछ है ही नहीं तो जो मेन मुद्दा है वो इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशंस एंड दूसरा है क्या क्लाइमेट चेंज एनर्जी यही एक हम कह सकते हैं हॉट टॉपिक बचा हुआ है फिलहाल के टाइम पीरियड में साइंस का उपयोग करके कैसे मानव जीवन को आसान बनाया जाए इसके लिए जो आइडियाज हैं आपस में जी ट्वेंटी नेशन क्या करेंगे शेयर करेंगे यही मीटिंग होगी चलिए बस इतना सा आर्टिकल से इसके अलावा अगर हम बात करें ये बातें हिंदी में एज मच यहाँ पे लिखी गई हैं इसके अलावा हम बात करें तो और क्या क्या मीटिंग होने वाला है और क्या क्या मीटिंग जो है यूएन लेवल की जो होगी कहाँ पे अपने अलग अलग एरिया में है ना उनको हम लोग देख लेते हैं तो अगर हम बात करें अपकमिंग जो मीटिंग होने वाली है वो है यू एन एफ सी 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 ओ पी ट्वेंटी सिक्स की तो यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू क्या बताइए क्या होगा फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना कब बनी थी बताते जाइए चैट में सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स COP का मतलब क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज राइट तो COP26 UNFCCC की मीटिंग होने वाली है ये भी एनवायरनमेंट संबंधित है फुल फॉर्म में समझ में आ गया दूसरी हम बात करते हैं CBD की बात कर रहे हैं तो CBD की बात कर रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं फिर ओके गुड मॉर्निंग जो भी नए जुड़ रहे हैं अभी तो यानी हम बात कर रहे हैं कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम ठीक है ये भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग जो है वो पंद्रहवीं होने वाली है इस साल उसके बाद हम बात करें यू एन फिफ्टीन ये भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन जो है वो कम्बोर्ड जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेजर्टिफिकेशन होता है इसको कम्बोर्ड करने के लिए ये मीटिंग होने वाली है इसी साल होगी फिर हम बात करें नेशन फूड सिस्टम की सबमिट होने वाली है ठीक है तो इस तरह से जो है बहुत सारी मीटिंग इवन जो है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस ठीक है फिर देखेंगे यूएन की जो है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन ये भी मीटिंग होने वाली है तो 2021 22 में 21 और 22 के आसपास जो है ये सारी मीटिंग इधर जो है होने वाली है जो कि इन्वामेंट

हम नेक्स्ट आर्टिकल की कैडिट वर्ल्ड चैम्पियन भारत बन चुका है थोड़ा देखें कि क्या है कैसे बना है भारत किस तरह के स्ट्रगल्स हमारे प्लेयर्स किए हैं तो मेनली जो श्रेय जाता है वो प्रिया एंड तनु को जाता है जो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं लेकिन भारत चैम्पियनशिप हासिल किया है हमारे दो प्लेयर्स चैंपियन बने हैं हमारा कंट्री चैंपियनशिप हासिल किया है तो अगर हम बात करें तनु की तो 43 केजी के टाइटल्स में इन्होंने चार गेम में तीन तीन जो गेम इनका ऐसा था जिन, जिस जिसमें ये लूज कर गई चौथा गेम को बस ये संभाली तो ओवरऑल जो एवरेज करके एग्रीगेट किया गया तो फिर ये विन हुई और इन्होंने हराया किन देख सकते हो आप जो है वेलेरिया मिकी सिच को जो कि आप देख सकते हो बेलारूस से हैं इनको हराया इसके बाद प्रिया की अगर हम बात करें तो 73 थ्री के जी के कैटेगरी में इन्होंने पाँच जीरो से बढ़त हासिल की और जो है आप देख सकते हो सेनिया पटावोविच जो कि खुद अगेन हम बात करें तो जो है बेलारूस की है तो इनको हरा करके ये भी जीती उसके बाद हम बात करें तो सागर जागलन 80 के के रेंज में और अमन गुलिया ये भी 48 एट के रेंज में मेंस टाइटल इन्होंने फ्री स्टाइल कंपटीशन में इन्होंने जीता साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी जो हमारी टीम है इतना जीतने के बाद पूरी की पूरी हमारी टीम को चैंपियनशिप घोषित किया गया क्योंकि इस पूरे की पूरी गेम में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पॉइंट रहा वो वन रहा यूएसए एक और रसिया का एक तो हम इसमें विजय प्राप्त किए इसके अलावा अगर हम बात करें तो टर्की में एक और गेम चल रहा था आप देख सकते हो यहाँ पेन तो इस गेम में जो हमारी प्लेयर वर्षा है इन्होंने भी जीत हासिल की 65 जी की आ, रेंज में इसके अलावा हमारे और प्लेयर्स जो अलग अलग गेम में अलग अलग जगह पार्टिसिपेट की वो कैडेट के अंडर नहीं थे वो अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट किए कैडेट का तो हम लोग देखे इसके अलावा मैं बता रही हूँ आपको तो हमारी जो प्लेयर है कोमल जिन्होंने 46 सिक्स के जी के कैटेगरी में जो है इन्होंने बढ़त हासिल की तो इस तरह से और हर्षित निकिता आप देख रहे हो तो ये सब अलग अलग गेम में भी ये सब जो है आ, इन्होंने अलग अलग नेशन को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुछ थोड़ा से हार के भी आए राइट लेकिन ओवरऑल हमारी जो कैडेट चैंपियनशिप इंडिया ने हासिल की याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है वैसे कोई नहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिसको मैं एम सी क्यू में कराऊंगी रिलैक्स बी वरी सारी बातें हिंदी में मेंशन में की गई हैं एज इट इज और थोड़ा सा देख लेते हैं हम कैडेट चैम्पियनशिप के बारे में तो देखिए ये क्या होता है एनुअली होता है ये हर साल होता है फ्री स्टाइल में गेम होता है ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीको रोमन स्टाइल में वुमेन रेसलर राइट तो ये गेम होता है ग्रीको रोमन स्टाइल जो है यानी ग्रीक और रोम का कॉम्बिनेशन जो मिक्स स्टाइल है फ्री स्टाइल में हर साल होने वाला ये गेम है उसके बाद हम बात करें जो एज ग्रुप होता है प्लेयर्स का वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एज ग्रुप रहता है 16 से 17 साल के एज ग्रुप वाले जो प्लेयर्स होते हैं है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग कैटेगरी भी है इनकी अलग अलग कैटेगरी है ठीक है और अगर हम बात करें इस बार तो आप देखें कि इस बार गेम हुआ और 2022 में जो होगा वो कहाँ पे होगा इटली में होगा रोम में होगा याद रखेंगे चलिए आगे बात करते हैं हम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के बारे में नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है कुछ नया नहीं हमें करना है सब कुछ नाम में छुपा हुआ है ईच एंड एवरीथिंग भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति क्या है तो हम बात करें तो सिंपल सी बात है यानी जो हम खाद वगैरह यूज करते हैं अपने खेतों में ओके सभी को गुड मॉर्निंग जो भी हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं अभी तो जो खाद सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ केमिकल्स हो यानी केमिकल का ज्यादा प्रयोग नहीं करे तो क्या प्रयोग करे तो काउडंग वगैरह और जो फल वगैरह के छिलके होते हैं और जो भी हम लोग नेचुरली जो हम खाद बना पाए उनका प्रयोग करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम खेती में ये सरकार का एजेंडा है अभी ये क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तो सरकार ने किस तरह की स्कीम्स की प्रावधान की है गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने जा रही है बीपीकेपी तो हमारे एग्जाम के लिए फुल्फा में बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूछा जाएगा हाल ही में गवर्नमेंट ने बी पी, जो है लॉन्च किया है क्या है बीपीकेपी वर्ड पी स्टैंड फॉर व्हाट ऐसा फुल फॉर्म दे दिया जाएगा राइट तो फुल फॉर्म याद रखना ये आ रहा है स्कीम किसके तहत तो ये स्कीम जो है पी के वी वाई यानी हम देख सकते हैं आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है परंपरागत कृषि विकास योजना ये सब जो मिल रहा है ना ये सब बम है बता रही हूँ मैं <laughs> कैसे पम है क्योंकि एग्जाम में जब फुल फॉर्म पूछ दिया ना सच बता रहे बुखार आ जाएगा ठीक है हालांकि ये तो थोड़ा इजी भी है और भी अब जैसे इसमाइल पढ़ाई थी आपको अब इस का फुल पूछ दे तो सच में बुखार नहीं आएगा स्टूडेंट्स को आएगा ही आएगा तो इसलिए देखना यार तुम लोग थोड़ा सा फुल फॉर्म वगैरह को एक एक बार जो है ना वीकली रिवीजन कर लिया करना जितनी भी स्कीम योजना में पढ़ाती हूँ उनको एक आध बार वीकली खुद से रिवीजन कर लिया करना और वैसे तो मैं वीकली रिवीजन कराऊंगी ही ठीक है मैं कराऊंगी ही हाँ कभी इधर लास्ट वीक नहीं करा पाई थी क्योंकि उसके पीछे थोड़े से इश्यूज हेल्थ के रह गए थे मूव करते हैं इधर हम तो यहाँ पे देखिए जो इंडिजिनस यानी जो पूरी तरह से भारतीय पद्धति है खेती करने की उसको प्रमोट करने के लिए जो है परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है जिसके अंदर नई योजना डाली गई है जिसमें बोला गया भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ठीक है तो ये याद रखना जिसके तहत क्या है यहाँ पे किसानों को फ़ायदा होने वाला है बताया जा रहा है क्या कि अगर किसान इसका यूज़ करेंगे तो उनको बहुत सारे जो वो खाद वगैरह केमिकल वाले खरीदते हैं उनसे उनकी मनी सेविंग होगी और बताया जा रहा है कि 12,200 प्रति हेक्टेयर जो है तीन साल में जो है वो इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा व्यक्ति को जो इस तरह की पद्धति को फॉलो करते हुए कृषि को आगे बढ़ाएगा राइट तो अच्छी पहल है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो किसके बारे में है गांव बूढ़ा के बारे में गांव बूढ़ाज राइट अब ये है क्या हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं देखो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो अंग्रेजों के शासनकाल में ही आसाम के अंदर अंग्रेजों के शासन काल में ही गांव के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन को वो लोग अपॉइंट करते थे एज हेड गांव के हेड क्योंकि जो ओल्ड पर्सन होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं कि थोड़े जो है मतलब एक होता ना बहुत हाई टेंपर वाले वैसे टाइप के नहीं माने जाते वैसे तो हो भी सकते हैं लेकिन जनरली क्या है कि वो शॉफ्ट में व्यवहार के होते हैं गांव के हर लोगों से कनेक्टेड होते हैं गांव में थोड़ी उनकी रिस्पेक्ट भी होती है है ना और इसके बाद उनकी बातें सुनी जाती है और उनका संबंध गाँव के लगभग हर आदमी हर व्यक्ति से हर घर से होता है चीज़ों को बहुत समझते हैं तो एक पर्टिकुलर जो आ, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है वो एक बुज़ुर्ग के हाथ से बुज़ुर्ग के द्वारा जो है कराया जाए ताकि ज़्यादा हुए क्राई नहीं मचे तो इसके लिए अंग्रेज ही ये गांव बूढ़ा अपॉइंट किया करते थे अभी न्यूज़ में क्यों है ये तो बैकग्राउंड था न्यूज़ में क्यों है क्यों हम पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ में इसलिए है कि आसम की जो कैबिनेट है इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो गाँव बूढ़ा है इनको जो है गाँव प्रधान बना दिया जाए गांव प्रधानस जो होते हैं गांव बूढ़ा को बना दिया जाए राइट अगर हम बात करें ना केवल आसाम में बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह के सिस्टम्स फॉलो होते आए हैं शुरू से गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी है यानी कि जो महिलाएं होती हैं इनकी अपॉइंटमेंट यहां पे की जाती थी पहले से ही चल रही है बस याद रखिएगा नए टर्म्स हैं बात कर लेते हैं हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में नाम में छुपा हुआ है ना कुछ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लग रहा है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी चीज है छोटी चीज है नहीं ध्यान समझिएगा सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी तोड़ दो इन दोनों को ज्यादा आर्टिकल पर ध्यान नहीं देना इस दोनों को तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं तो डिजिटल करेंसी क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी दिमाग में आया होगा डिजिटल करेंसी से बिटकॉइन कैसे होता है क्रिप्टो करेंसी कैसे होता जी बिल्कुल वैसा ही है सेम चीज़ ऐसा पैसा जो डिजिटल फॉर्म में हो सभी यूज़ कर पाए माइनिंग करने की जरूरत ना पड़े कुछ अच्छे स्मूथ तरीके हो स्मूथ तरीके हो माइनिंग ना करना पड़े और लोग इसका यूज़ कर पाए इकोनॉमी में ये हो सर्कुलर हो पाए सर्कुलर हो पाए हमारे जो बैंक्स हैं जिनको नोट छापने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा छापने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता ठीक है।, है तो इन सब चीज़ों से उनको मुक्ति मिलेगी तो सेंट्रल लेवल पे, हमारे केंद्रीय स्तर पे, इस तरह कुछ डिजिटल करेंसी सरकार को लॉन्च करना चाहिए आरबीआई को लॉन्च करना चाहिए उससे हमें बहुत फायदे होंगे एक तो हम वर्ल्ड वाइड कॉम्पीट कर पाएंगे क्योंकि वर्ल्ड में जो है क्या चल रहा है वर्ल्ड में लगभग हर नेशन में डिजिटल करेंसी की बात अब हो रही है ठीक तो डिजिटल करेंसी यहाँ पे क्या होगा इंडिया में आएगा तो हम कॉम्पीट कर पाएंगे सेकेंडली जो हमारे को पैसा मैनेजमेंट करने में जो पैसा खर्च करने पड़ते हैं वो हमारा चेंज हो जाएगा ये पैसा रियल टाइम एक्सेसिबल होगा बिना बैंक के लफड़े के मतलब होता है ना बैंक टू बैंक पीर टाइप ये सब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं तो ये जब सेंट्रलाइज मनी होगा तो अपने आप ही सेंट्रलाइज होगा तो अपने आप ही मैनेज हो रहा तो ये इंटर बैंकिंग जो कनेक्शन होता है और इसमें इतना हुन क्राई लगाना पड़ता है दिमाग वो नहीं यहाँ पे होगा तो इससे दो तीन फायदे होंगे दो तीन फायदे होंगे क्या कि हमारे को जो है अलग अलग ट्रांजेक्शन में अलग अलग जगह जगह जो पैसे कटते हैं या पे करना पड़ता है या कुछ लिमिटेशन होता है उससे हमें भी थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी और दूसरा क्या है दूसरा क्या है कि हमारा जो करेंसी टू जीडीपी रेशियो है करेंसी टू हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो यानी जो करेंसी मार्केट में सर्कुलर है जो सर्कुलेशन में पैसा है करेंसी हाई करेंसी और जो हमारे जीडीपी है इन दोनों की रेशियो की बात करें देखो ज्यादातर सरकार इसको कम ही रखना चाहती है ठीक है तो अभी क्या है कि जब नोट का प्रयोग हम करते हैं तो ये इसे हमें बैलेंस बहुत करना पड़ता है राइट लेकिन जब हम इस तरह का प्रयोग करेंगे यानी कि सी बी सी डी सी का प्रयोग जब हम करेंगे तो ये हमें आराम से इजली मैनेज होता हुआ दिखाई देगा ऐसा माना जा रहा है देखो जब कुछ चीज इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना तो सब कुछ माना ही जाता है राइट तो यहाँ पे ऐसा सोच के चला जा रहा है अभी ये तो सही बात है बात हम लोग कर लिए इतना सब कुछ समझ में आ गया लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ ये सब परमिशियबल नहीं है कैसे परमिशियेबल नहीं है तो थोड़ा सा देख लेते हैं देखो ऐसी कमिटी ठीक है ऐसी कमिटी कमेटी 2019 में जो सेटअप हुई थी इनका कहना था कि किसी भी तरह का माइनिंग या कोई आदमी जो ऐसा पैसा होल्ड करता हो ट्रांजैक्ट करता हो डील करता हो क्रिप्टो करेंसी में ये क्या है इलीगल होगा अवैध होगा और इसके लिए जेल का प्रावधान होगा दस साल तक की सजा हो सकती है और जो पैसा ट्रांजेक्शन किया गया है उसका तीन गुना उस पर क्या हो सकता है पेनाल्टी लगाया जा सकता है तीन टाइम इम्पोज थ्री टाइम्स जो है इम्पोज़ किए जा सकते हैं फाइनेंशियल लॉस ऐसे व्यक्ति के ऊपर लेकिन साथ ही साथ इसी कमेटी ने एक फिलिंदा ब्लैंक्स भी छोड़ा था क्या ब्लैंक्स छोड़ा था इन्होंने बताया था कि अगर सरकार या हमारी आर चाहे कि क्रिप्टो करेंसी इन फ्यूचर वो लाएं क्रिप्टो करेंसी यानी जो है डिजिटल करेंसी की बात करें तो वो फ्री हैंड हैं वो ऐसा कर सकते हैं फिलहाल में ये हमारे यहाँ क्या है अवैध है राइट अभी देखिए यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी उसको डिफाइन किया गया है हालांकि मैं इसको पहले ही डिफ़ाइन कर चुकी हूँ तो एक बार देख लीजिए डिजिटल करेंसी क्या होता है सिंपली डिजिटल फॉर्म में जो पैसा होता है वो होता है ठीक है इससे क्या होता है कि जो माइनिंग हम करते हैं मिंटिंग करते हैं क्वाइन का या जो नोट हम छापते हैं है ना वो नहीं करना पड़ेगा ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है पैसे का जो कि एक तरह का हम कह सकते हैं टोकन सिस्टम बेस्ड है टोकन वाला सिस्टम होगा कि हाँ ये फलाना इतना ये टोकन है तो इसकी जो है मनी वर्थ कितनी है यानी रुपए में वैल्यू कितनी है तो सपोज़ मान लो दस हज़ार है बस यही बात है कि ये सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज की जाएगी आपको माइनिंग नहीं करना है क्योंकि तो जब माइनिंग करेंगे तभी तो गड़बड़ होगा ना तो सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज की जाएगी यानी आर मैनेज करेगी तो बिल्कुल हर चीज़ का रिपोर्टिंग रहेगा डेटा सही रहेगा बस यही बात है आगे बात बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक इन गंगा के बारे में तो देखो माइक्रोप्लास्टिक इन गंगा की अगर हम बात करें तो ये न्यूज में था द हिंदू में बड़े से आर्टिकल्स आए हुए थे क्योंकि डेली बेस्ड जो है एक एनजीओ ने एक्सक्यूज मी सॉरी क्लास तो डेली बेस्ड एक एनजीओ ने क्या किया था रिसर्च किया उनके रिसर्च पे ये फाइंड आउट हुआ कि जो वाराणसी है बनारस है ये टॉप में आता है टॉप में आता है तो यहाँ पे पानी में जो है माइक्रो प्लास्टिक ज्यादा मिलते हैं अभी माइक्रो प्लास्टिक क्या है तो देखिए माइक्रो प्लास्टिक जो है वो एक तरह का क्या है सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल है सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल है जिसकी रेंजिंग जो है वो वन माइक्रो एक्सक्यूज मीटर वो वन माइक्रोमीटर से लेकर के फाइव मिलीमीटर तक ये पाई जाती है प्लास्टिक है तो वाटर में तो इंसॉलेबल ही होगा लॉजिक लगाएंगे अभी देखो इससे होता क्या है ना इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है राइट और जो जैसे देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल को अगर आप मत देखो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे ऊपर में प्लास्टिक का लेयर लगा हुआ है तो देखो प्लास्टिक का लेयर लगा हुआ है तो पानी के अंदर जो गंदगी होती है ना पानी अपनी गंदगी को क्या करता है डीकम्पोज खुद ही करता है जो डिकम्पोजिशन का काम चलता रहता है ये पानी के अंदर चलते ही रहता है गंगा रिवर जो हमारी हो गई है यमुना रिवर हो गई है जितनी भी रिवर्स है उसमें जो भी आप नेचुरली गंदगी आती है है ना वो खुद ही उसको फ्रेश कर लेती है इतना उनके पास खुद कैपेसिटी होती है लेकिन जब प्लास्टिक वगैरह ऐसे छा जाता है ना तो होता क्या है अंदर में जो डिकम्पोजिशन का काम चलते रहता है यानी कार्बन जो टूटते रहता है ठीक तो वो चीज़ बाधित हो जाती है पानी सड़ना शुरू हो जाता कैसे क्योंकि प्लास्टिक ऊपर छा गया तो ये जो सनलाइट हो गई या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो इस परत के कारण रुक जाता है तो अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई नहीं हो पाता है तो जो डिकम्पोजिशन का काम है ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है तो जो डिकम्पोजिशन का काम है वो क्या होता है स्लो पड़ जाता है और लगभग नाप के बराबर हो जाता है तो चीज़ें जो है वो सेटल्ड होने के बदली ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं राइट right. तो ऐसा होता है तो माइक्रोप्लास्टिक हर तरीके से जलीय जीव के लिए नुकसानदायक है साथ ही साथ हमारे लिए भी नुकसानदायक है क्योंकि ये इसके पार्टिकल्स रिमूव जल्दी होते नहीं है राइट right. तो यही पूरा आर्टिकल्स था और अगर हम बात करें भारत का क्या एफर्ट्स है अभी तक इस चीज को दूर करने में तो हमारी लगभग 20 राज्य और यूटीज मिल करके दोनों आपस में मिलकर के फाइटिंग कर रहे हैं किसे प्लास्टिक को दूर करने के लिए और हमारे बहुत सारे स्टेट में क्या है बताया ही गया यहाँ पे बीस और ऐसे यूनियन टेरेटरीज मिला करके संख्या ऐसी है जहाँ पे हम क्या करते हैं अपने स्टेट में प्लास्टिक को बैन करके रखे हैं इवन हर छोटे बड़े चीज प्लास्टिक का कैरी बैग हो कप हो कल्ट्री हो प्लेट्स हो वट एवर दी थिंग्स जो कि आपके थर्माकोल और प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं इनका हम क्या कर चुके हैं बाइकआउट कर चुके हैं तो एक बड़ा इनिशिएटिव है और इसके फायदे मिलेंगे लेकिन अभी तो जस्ट कोई सर्टेन फायदा नहीं मिलने वाला लॉन्ग टर्म में इसके फायदे मिलेंगे लेकिन मजा तब आएगा जब पूरे नेशन में इसको फ्री कर दिया जाए राइट बात करते हैं पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इनलैंड वेसल बिल वैसे चार बिल आ चुके हैं एक एक कर करके सबको समझेंगे लेकिन फिलहाल आज इनलैंड वेसल बिल सी हैं चिंता नहीं कीजिए आज बहुत रुलाऊंगी नहीं तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इनलैंड वेसल बिल पहले तो इनलैंड क्या होता है ये समझना होगा देखो ये जो हमारे नदी में न, न, नदी हो गए तालाब हो गए लेक हो गए स्पेसिफिकली बड़े बड़े जो लेक हो गए रि, रिवर्स की बात तो कर ही रहे हम तो इन सब के द्वारा जो हम सामान का सप्लाई करते हैं गुड्स के का सप्लाई जो होता है स्टेट टू स्टेट है ना पूरे कंट्री के अंदर इसको इनलैंड बोलते हैं रिवर पे चलने वाली राइट तो अभी क्या है पूरा आर्टिकल ये है कि हर स्टेट का जो वाटरवे है जो वाटरवे जिस स्टेट से जा रहा है उसके अलग नियम है अब फलाने स्टेट का अलग नियम है अब यही वाटरवे दूसरे स्टेट में जा रहा है ढिमाके स्टेट का अलग नियम है अल्फा स्टेट का अलग नियम है तो बीटा स्केल का बीटा स्टेट का अलग नियम है तो इन सब स्टेट के चक्कर में आके बहुत सारा होता है लॉस तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि एक यूनिफाइड लॉ बनाएंगे जो पूरे कंट्री में इक्वली सारे स्टेट पे लागू होगा इंस्टेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लॉ वैसे स्टेट का भी इशूज हो जाता है ना पर अलग अलग उनको भी नियम बनाने पड़ते हैं हर स्टेट के एक नियम दूसरे नियम को अगर मान लीजिए काटते हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है एक यूनिफॉर्म लॉ होगा अच्छा होगा अब इससे क्या होगा बहुत सारी डेटा जो होती है सेंट्रल लेवल की जो डेटा होती है ठीक है वो आराम से सहेज के रखी जा सकती है और इसके लिए एक व्यवस्था की गई है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाया जाएगा जहाँ पे सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग जो वेसल्स वो मिल जाएगी राइट तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस होगा अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनलैंड वाटरवे के बारे में अगर हम बात कर लें तो देखिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें इंडिया में तो लगभग अगर हम बात करते हैं तो चौदह हजार 500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है हमारा वो नेविगेबल वाटर वे के अंदर आता है चाहे हम रिवर से व्यापार करें कैनल के थ्रू चलें या जो है बैक वाटर क्रिक का प्रयोग करके हम व्यापार करें तो कुल मिलाकर के चौदह हज़ार पाँच सौ किलोमीटर का नेविगेबल क्षेत्र हमारे इंडिया का अपना है इसके लिए पहले से ही बिल था ठीक कौन सा बिल था नेशनल वाटर वे हज़ार जिसके तहत जो है बताया गया है कि हमारी कंट्री में 111 टोटल वाटर वे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ये डेटा ये डेटा मिस नहीं कीजिएगा टोटल 111 जो है वाटर वे हैं आपके दिमाग में होगा ना पहला वाटर वे तो जी हाँ पहला वाटर वे अगर हम बात करें तो देखो हल्दिया वाराणसी है ना यानी <laughs> इसको नेशनल वाटर वे वन बोलते हैं ठीक है तो फिलहाल तो आप ये समझिए कि जल जीवन Uh, जल मार्ग विकास जल मार्ग विकास परियोजना के तहत इन 101 वाटर वे को जो है ठीक ठाक करने के लिए इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सके इनकी कैपेसिटी बूस्टिंग हो सके हर फैसिलिटी इनको प्रोवाइड हो सके उसके लिए एक अथॉरिटी है है ना इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी इनको दिया गया था पैसा कितना पाँच हजार तीन सौ सिक्सटी नाइन पॉइंट वन एट करोड़ रुपीस इतना पैसा सरकार के द्वारा दिया जा चुका था एक वाटर वे को ठीक करने के लिए ठीक है सारे फैक्ट्स यहाँ पे हैं एक बार देख लीजिएगा एक्सक्यूज मी कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं जिनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने दस दशमलव ग्यारह करोड़ रुपए की लागत से सेवेंथ बिजली जो बुनियादी ढांचा परियोजना है इनका उद्घाटन किया है तो ये अच्छी खबर है जम्मू एंड कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है फिलहाल में आप देखना हमेशा कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ नया होते रहता है उसके बाद सेकेंडली हम बात करें तो टाटा आप देख सकते हो टाटा समूह और अमेरिका की जो एरोपेस है ना एरोपेस है टाटा और अमेरिका की बात कर रहे हैं हम ठीक है तो इन्होंने अभी देख सकते हो क्या है जो है ये जो अमेरिका की एरो स्पेस है आप देख सकते हो क्या बोइंग जो है ये अनाउंस की है क्या हंड्रेड सोवा है ना तो हंड्रेड जो है आप देख सकते हो फ्यूजल्स एच सिक्सटी फोर अल्फा कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ना ये फैसिलिटी जो है फैसिलिटेट किया जाएगा हैदराबाद में तो कहने का मतलब ये है हेलीकॉप्टर का नाम काफ़ी बड़ा है तो ये डिलीवर किया जा रहा है हंड्रेड नंबर का ये जो है डिलीवरी होगा सौवे नंबर का डिलीवरी डिलीवरी होगा हेलीकॉप्टर का नाम काफ़ी बड़ा सा है ठीक है? है, हैदराबाद में भेजा जाएगा ठीक याद रखेंगे ये दोनों कंपनी के टाइप से है आगे बात करते हैं हम अब यहाँ पे देखिए केरल की बात करें सबसे बुजुर्ग शिक्षिका वहाँ पे जो हम कह सकते हैं भगीरथी आप अम्मा इनकी मृत्यु हो गई 105 साल की ठीक है और साक्षरता की अगर हम बात करें समझ गए तो इनमें इनका बहुत ही ज्यादा रोल प्ले था इवन इनको अवॉर्ड मिल चुका था प्रधानमंत्री जी से ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और एक और अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु 107 साल की उम्र में हुई इनको अवॉर्ड जो है 105 साल की उम्र में मिला था ये है थोड़ा तो सा फैक्ट यहाँ पे आगे पीछे हो गया 107 हंड्रेड ईयर में इनकी डेथ हुई है 105 साल में इनको अवॉर्ड भी मिला हुआ था नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ईरान के प्रेसिडेंट से संबंधित है हसन जो है रूहानी ठीक है आप यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ऑन पाइपलाइन ठीक है तो इनोग्रेट किया है इन्होंने ऑनसोर पाइपलाइन का अभी थोड़े दिन पहले हम लोग जो है वो अफगानिस्तान के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान में भी एक एयरबेस बनाया गया है फ़िलहाल ये न्यूज़ ईरान से संबंधित है इम्पॉर्टेंट है ईरान मैंने गल्फ़ नेशन से जो भी चीज़ें होती हैं वो हमको एक बार थोड़ा सा देख लेना है और अगर हम बात करें तो ये जो है हरमुन स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है इम्पॉर्टेंट लोकेशन तो कहाँ पे है गल्फ़ नेशन में गल्फ की जो खाड़ी है ठीक है वहीं पे हरमुंज स्टेट है काफी न्यूज में रहता है हरमुंज बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन जरूर याद रखिएगा ठीक है चलिए आज मैं लोकेशन मेंशन नहीं की हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है रिसेंटली गवर्नमेंट uh, ने जो है हम कह सकते हैं कि मेगा फूड पार्क परियोजना का जो तीसरा पक्ष का हम कह सकते मूल्यांकन का निर्णय लिया है आपको बताना है ये शुरू कब किया गया था मेगा फूड पार्क सिस्टम की तीसरी ये हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी इवोल्यूशन हुई है पहला कब था आपको बताना है पहला हुआ कब था ये बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे तो देखिए 2008 हजार नौ में फर्स्ट हुआ था राइट याद रखोगे ठीक है 2008 हजार नौ में फर्स्ट टाइम मेगा फूड पार्क ऐसा सिस्टम हमारी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था सेकेंड बात करते हैं रिसेंटली दी हैवी रेन एंड जो है लैंड स्लाइड वॉज आउटब्रेक इन जो है आप देख सकते हो रैक्ट इन आ, इन विच एट थर्टी पीपल्स हैव डाइड ठीक है राइगर वॉज लोकेटेड इन विच स्टेट आपको बताना है? तीस लोगों की जो है भूस्खलन के कारण महाराष्ट्र में, है, है में उत्तराखंड में गोवा में लद्दाख में रायगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है इसका आंसर क्या होगा बी वन विकल्प का आंसर है वन और राकेश महतो का भी आंसर है वन एग्जैक्टली याद रखोगे महाराष्ट्र में है ये महाराष्ट्र का न्यूज था चलिए विच ऑफ फॉलोइंग मेट्रो सेट अप अ नंबर ऑफ सेल्फी पॉइंट ठीक याद रखोगे इट्स अ मेजर जो है स्टेशन टू बूस्ट प्रैक्टिसिंग इन टोक्यो आपको बताना है कि कौन से मेट्रो स्टेशन पे सेल्फी पॉइंट जो है वो टोक्यो ओलंपिक में जा रहे पार्टिसिपेंट कर रहे एथलीट्स के मनो मन, मनोबल को बढ़ाने के लिए जो है किया गया तो कौन से मेट्रो की बात की गई दिल्ली मेट्रो कलकत्ता लखनऊ बेंगलुरु हैदराबाद तो तीसरे का आंसर क्या होगा तीसरे का आंसर क्या होगा थर्ड का आंसर होगा वन ओके चलिए सबका आंसर आना शुरू हो गया कुछ सी भी बता रहे हैं ओके अमित शर्मा सी बता रहे हैं राकेश तो वन ज्योति भी तीन बता रही है शरिता रावत वन अभिजीत बता रहे टू ओमाई गॉड राजब अली बता रहे हैं वन थगलाइट इज़ वन मीनाक्षी इज़ वन अमित शर्मा अगेन वन चलो अब ना सबका आंसर आ गया राइट और अब सब अपना आंसर सही भी कर लिए ठीक तो डेली मेट्रो का था ये याद रखेंगे रिसेंटली द गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना हाउ मैनी प्राइवेट फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट सो फार तो प्राइवेट फूड प्रोसेसिंग कितने सारे को अप्रूव्ड किया गया है प्राइवेट है निजी है खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं को मंजूरी मिली है तो चार नंबर का आंसर क्या होगा ये फैक्ट है फोर सेवन नाइन्टी टू याद रखोगे ये फैक्ट है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सेवन हंड्रेड नाइन्टी टू ठीक है सेवन हंड्रेड नाइन्टी टू इंपॉर्टेंट डेटा नहीं मिस करोगे ठीक चलिए बात करते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनविल्ड आप देख सकते हो मगलेव ट्रेन कैपेबल ऑफ द टॉप स्पीड सिक्स हंड्रेड किलोमीटर पर आर आपको बताना है निम्नलिखित में से जो है वो किस देश ने 600 किलोमीटर एक्सक्यूज में प्रति घंटे की अगर हम बात करें तो किस जो है अनावरण जो है, जो है, जो है, किया गया है अनविल किया गया है कौन से देश के द्वारा पक्का चाइना सच में चाइना सही है सही जा रहे हो तो चाइना इज अ करेक्ट बहुत बढ़िया यहाँ पे साहिल बता रहे हैं मैग्नेटिक, ओके, लेविएशन ट्रेन एग्जैक्टली चलिए आगे बात करते हैं हम सिक्स नंबर की इन द मेडिकल इंडस्ट्री फॉर्म विच ऑफ द अप्लाइड फॉर सी ओ पी पी ये कल पढ़ाई थी मैं आपको डब्ल्यू एच ओ जी एम पी सर्टिफिकेशन फॉर एटीन आयुर्वेदा प्रोडक्ट कल पढ़ाई हुई है आपको मैं आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा गोवा मणिपुर उत्तराखंड सिक्किम आसाम उत्तराखंड इज अ करेक्ट आंसर ठीक है उत्तराखंड इज अ करेक्ट आंसर चलिए यहाँ पे आ चुका है आंसर सभी का आ रहा है सही बात है सभी का आंसर सही आ रहा है चलो सेवन नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है AMLX ए एम एल एक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आई किस IIT के द्वारा जो है ये सेटअप मतलब रिसर्चर्स के द्वारा ये बनाया गया कानपुर रोपर मुंबई और <coughs> खड़गपुर क्या होगा आंसर आंसर आ चुका है रोपर बता चुके हैं रोपर थगलाइट जी का पहला आंसर आया एंड उसके बाद सभी लोग आंसर कर रहे हैं चलो सेवन का टू बहुत बता रहे हैं सभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं सेवन का टू आईआईटी आई टी रोपर चलिए सही है नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इन द फर्स्ट फेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑनलाइन सेल ऑफ लिकर बिल बी डन ऑनली ये वाली न्यूज़ तो बड़ा वो टाइप की होती है ना आप मुझे बताइए कौन से राज्य में जो है ऑनलाइन शराब जो है बेचने की व्यवस्था की गई है मणिपुर गोवा उत्तर प्रदेश आसाम केरल आठ का क्या होगा आंसर एट नंबर का क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश ऐसा कभी करेगा नहीं करेगा राइट क्या लगता है और गोवा में चलो गोवा वगैरह तो कंफ्यूजन वाला सारा का सारा ऑप्शन है आप कंफ्यूज हो सकते हो यूपी तो ऐसे ही आप काट सकते हो राइट तो ये आंसर वैसे तो आसाम होगा चार होगा वैसे आंसर आया है जो है मृणाल कांति का आंसर आसाम आया है इससे पहले भी आंसर आया था यहाँ पे श्री पूर्णा विश्वास का आंसर आसाम था और किसी ने किया है उ, अच्छा बहुत सारे हमारे बच्चे जो है वो शायद में चल रहे राकेश मैं तो जी शायद में चल रहे हैं गोवा में तो ऐसे चल ही तो चलता होगा राइट तो चलो ठीक है आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आसाम करेक्ट आंसर नौ नंबर की बात करते हैं रिसेंटली विच ऑफ फॉलोइंग सिटी है ना सी जो है आप देख सकते जिमपिंग्स हैज बीन विजटेड है ना टाउन बॉर्डरिंग जो है अरुणाचल प्रदेश आपको बताना है सी जिमपिंग का दौरा हुआ कहाँ पे तिब्बत के किस शहर में जो अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है लहासा उसके बाद जो है निंगचिंग फिर उसके बाद हम देख सकते हैं क्या सिंगासे मैनकू का और जो है नमका नमका पवरी तो क्या होगा आंसर शहर का नाम है काफ़ी सुंदर सुंदर नाम है तो नाइन नंबर की अगर हम बात करें तो लहासा नहीं लहासा नहीं होगा आंसर नाइन का वन सभी लोग कर रहे हैं <coughs> नाइन का लहासा नहीं ठीक है नहीं होगा न्यांगची इज अ करेक्ट एक्सक्यूज मी अब यहाँ पे दस नंबर की बात करते हैं देखिए द इंडिया स्टोरी है ना किसने लिखी है दी इंडिया स्टोरी हु पेंट द बुक टाइटल इंडिया स्टोरी इंडिया स्टोरी किताब किसने लिखी है अरुंधति रॉय रघुराम राजन बिमल जलान चेतन भगत शशि थरूर बिमल जलान की किताब है ये ठीक है याद रखेंगे चलिए ओके आशीष यादव जी डोंट बी वरी कोई दिक्कत नहीं है डोंट बी सॉरी चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज सेट अप ये पढ़ाई हुई है नया नहीं है पढ़ाई हुई है सभी लोग सही आंसर कर देंगे विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज सेट अप अ डायरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर अंडर इट्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल आपको बताना है कि जो है फैसिलिटेशंस सेल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल जो है वो डेयरी के संबंधित डेयरी से संबंधित जो है वो किसके द्वारा जो है सेटअप किया गया है नीति आयोग के द्वारा या आई -य -य के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा तो क्या होगा इसका आंसर सबका सही होगा इसमें कोई गलत होने की बात ही नहीं है मैं ये आपको आर्टिकल के तौर पे पढ़ाई थी करंट अफेयर में कल परसों ही हाईलाइट्स में पढ़ाई थी तो एक बार रिवीजन हो गया उतने बड़े हाई से कैसे एम सी क्यों मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे काफ़ी मेरे आ, जो है फेवरेट स्टूडेंट प्रिय हालांकि सभी प्रिय हो है ना लेकिन जो हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में आ जाते हैं तो उन सारे बच्चे से बा, मेरी बातें हुई तो उनका कहना था कि मैम इतना बड़ा बड़ा जो करंट अफेयर होता है मैम रोज़ रोज़ पढ़ने के बाद भी कवर नहीं कर पा रहे राइट तो फिर मैं थोड़ा सा सोची कि मेरे ही मेरी तरफ़ से इनको किस तरह का फ़ायदा मिलना चाहिए क्योंकि मैं आपके साथ क्या करती हूँ मैं जो है वो डेली पेपर से जो पेपर्स हम लोग पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट माना जाता है और गवर्नमेंट की वेबसाइट से वहाँ से सीधा न्यूज़ उठाती हूँ मैं आप सभी के लिए अब लेकिन होता क्या है कि कुछ जो न्यूज़ मैं पढ़ाती हूँ वो बहुत बल्कि होते हैं बल्कि यानी भारी भारी आर्टिकल्स होते हैं उसके पीछे दो उद्देश्य होता है एक तो आप थोड़ा रीडिंग करो सेकेंडली पहला तो आपको रीडिंग भी करना है दूसरा कि आप डिटेल से आपको न्यूज़ मिले एक छोटा सा फैक्ट पढ़ा दिया तो वो नहीं मज़ा आता एक डिटेल से आपको न्यूज़ मिले कि पूरा बैकग्राउंड समझ में आए उसके लिए हम ऐसा करते हैं तीसरा अगर कोई ऐसे बच्चे जो स्टेट पीसेज वगैरह की तैयारी करते हैं तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना वो जी के क्वेश्चन होते हैं तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है उनको आंसर राइटिंग करना होता है तो आंसर राइटिंग करने के लिए वो सेंटेंस कहाँ से लेके आएंगे सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से तो वो ऐसे ही पेपर पढ़ के आर्टिकल पढ़ के आती हैं राइटिंग कैपेसिटी वहीं से बूस्ट होती है तो एक बार उनके लिए भी ऐसा फायदा हो जाता है जो अगर तैयारी कर रहे हैं करने की सोचते हैं तो उनको एक जो क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग होता है मेरा वो एक आंसर के रूप में होता है ध्यान रखिएगा कहीं भी आप लोग नोटिस करना ज़्यादातर एक आंसर के रूप में होता है तो उससे एक थोड़ा सा आइडिया बन जाता है कि करना क्या है कहाँ पे इंट्रो लिखना है इंट्रो कैसे होगा बॉडी कैसे होगी वो एक फ्रेम बना रहता है मेरे आंसर का अगर आप लोग आर्टिकल ध्यान से पढ़ते हो तो उन वैसे बच्चे को वहाँ पे फायदा हो सकता है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे का कहना है कि मैम कवर नहीं कर पा रहे नहीं याद हो पा रहा तो इसको कैसे सॉट आउट किया जाए तो फिर हम वही सोचे हैं कि थोड़ा सा करेंट अफेयर में कुछ परिवर्तन करेंगे हम कुछ परिवर्तन करेंगे लाइक एम सी क्यू के साथ चलेंगे और अगर आप लोग को भी लगता है कि मैम हाँ इस तरह की चीज़ें करनी है तो आप मुझे बता सकते हो क्योंकि देखिए आपकी एडवाइस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होगा राइट और दोनों के म्यूचुअल कोपरेशन से ही चीज़ें चलें तो ये बेस्ट होगा तो आप सभी ओपन हो आप मुझे एडवाइस कर सकते हो कि मैम इस तरह का ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सी है सभी ने बता दिया है मुझे आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच कौन सा पेयर जो है वो सही से मैच किया है देखिए एक तरफ बताया गया है आपको यहाँ पे कुछ जो है हिल्स का नाम है दूसरे स्टेट का नाम है तो आपको बताना है जो है यहाँ पे देखो पाकड़ी हिल पाकिडी हिल कहाँ है गुजरात में है माउंट जो है सारामती क्या ये नागालैंड में है या फिर अगर हम बात करें तो अम्बू कुथी माला ये क्या तमिलनाडु में है तो कौन सा पहाड़ और स्टेट के बीच का जो ओके okay, यहाँ पे चलिए जय महाकाल जी तो जल्दी से आंसर कीजिए महाकाल का नाम लेने वाले भाई साहब सभी को जो भी हमारे जुड़ रहे हैं क्लास में तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका आंसर क्या होगा थगलाइट का आ गया अमित शर्मा वन उसके बाद फ्रेंड्स हिंदू न्यूज पेपर इज नॉट अवेलेबल इन माय प्लेस कैन समन टेल मी एनी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म दैट आई कैन गेट एवरी ओ माई गॉड सही है जी कोई नहीं हिंदू ना मिले तो परेशान ना हो जाए है ना दूसरा भी पढ़ सकते हो इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छी पेपर होती है आप उसको पढ़ सकते हो चलिए ऑनलाइन पढ़ लीजिए टेलीग्राम की कोई जरूरत नहीं है इसका आंसर क्या होगा मिनाल कांति जी बता रहे स्किप होना पड़ेगा फोन का बैटरी खत्म हो गया है। <laughs> सही है ठीक है ओके बाय टू यू उसके बाद इसका आंसर सभी लोग कर दिए हैं तो चलिए टू सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ओनली टू सिर्फ टू ही मैच कर रहा है राइट right? और आगे कोई मैच नहीं कर रहा है तो लगभग सबका क्या है कुछ लोगों का सही भी है चलिए कंसिडर द इंडियन पीकॉक इज द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया स्टेटमेंट को बताना है आपको सेकेंडली ऑप्शन क्या है इट इज़ लिस्टेड ऑफ दी लिस्ट कंसर्न इंटरनेशनल है ना यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई हमेशा न्यूज़ में रहता है तो आई यू सी एन की लिस्ट में क्या मोर जो है यानी पिकॉक जो है वो क्या रहता है कंसर्न के लिस्ट में लिस्ट ऑफ कंसर्न में है तो दोनों में से क्या सही है जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा अपने पीकॉक के बारे में हम लोग मोर के बारे में जानते हैं ना हमारा राष्ट्र पक्षी है तो और क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताइए तो इसका आंसर जी सी होगा ध्यान रखिएगा सी यहाँ पे नैनीत राहुल का आंसर आया सी राइट right? तो सी इज अ करेक्ट ठीक है और भी बहुत सारे बच्चे सी बताए हैं यहाँ पे शंत गौतम और क्या कर डी बताया यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर भिन्न भिन्न है राइट right. तो आंसर क्या होगा तीन नंबर का सी होगा दोनों ही याद रखेंगे चलिए आगे बात करते हैं चार नंबर की बात करें हम चार नंबर का क्या आंसर होगा कंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डल इज़ अ लेक इन श्रीनगर दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ नियर दोर्स ऑफ द रिवर हो गया ना पी पहला तो ऑप्शन सही मार दोगे दूसरे की बात कर लेते हैं तो नुबरा रिवर के आसपास है ये बताना है आपको तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा क्या होगा क्या होगा हाँ विकल्प लिस्ट कंसर्न में है बिकॉज ये जो है बहुत ही जो है मतलब खतरे वाला जो लिस्ट होता है ना खतरे की जो घंटी होती है राइट उसी के राडार पे ही आती है क्योंकि हर जगह जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इनकी संख्या जो है लगभग डिक्लाइन सी है कम सी है ठीक है इसका आंसर क्या होगा तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें जल्दी जल्दी आंसर कीजिए ओके चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की राइट right, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या होने वाला है वन होने वाला है याद रखेंगे चार नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वन होगा राइट right? यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ओनली वन लिखा हुआ है यही आंसर होगा नुब्रा रिवर के पास नहीं होती है क्या डल जो है डल लेक नुब्रा रिवर के पास नहीं होती राइट right? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट ये थोड़ा सा मैचिंग वाला है इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको एक तो बार देख लो कौन से दी फॉलोइंग पेयर रामसार साइट्स हैं एक तरफ भारत में रामसार साइट्स हैं दूसरी तरफ लोकेशन है आपको बताना है क्या कि जो आ, ये होकेरा वेटलैंड है क्या ये पंजाब में है कंजी लेक क्या ये गुजरात में है और कब्राताल वेटलैंड क्या ये राजस्थान में क्या होगा आंसर मुझे बताएंगे यहाँ पे जल्दी से इसका आंसर कीजिए चलो बहुत टाइम दे दिया आप लोग को आई थिंक इसका आंसर जो है वो <laughs> चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा से पांचवे नंबर क्वेश्चन की आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिए डी यानी वन टू एंड थ्री सभी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली मैच है राइट परफेक्टली मैच है कोई भी रॉन्ग ऑप्शन नहीं है सब के सब मैच हैं तो ये हो गया पांच इसकी ओके okay, कोई नहीं सभी का सभी सही है मैच क्या हुआ और ये है सारे क्वेश्चन का आंसर एंड ये है आज का होमवर्क क्वेश्चन तो होमवर्क क्वेश्चन जो है ये इजी फैक्ट्स हैं बहुत हार्ड फैक्ट्स नहीं डाले गए हैं तो एक बार इसका आंसर कर दीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद चैट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा स्नैप शॉट ले लीजिए क्वेश्चन का एंड हमारे साथ बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच